ये क्या कर रही हो तुम? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो फायजा, तुम बात को बढ़ा रही हो। और तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हारी दूसरी शादी का सुनकर रोऊं, अफसोस करूं और फिर उसी तरह तुम्हारे साथ रहने लग जाऊं? मुझे बगैर बताए तुम दूसरी औरत में दिलचस्पी रहते रहे और फिर उसके साथ तुमने शादी भी रचा ली। मुझे कह रहे हो मैं बात को बढ़ा रही हूँ या फिर तुमने मुझे चीट किया है? देखो दूसरी शादी मेरा हक है। हक? और तुम्हें अपने फराइज याद है? एक मुद्दत हो गई मेरे गुड़िया के साथ तुम्हें वक्त गुजारे हुए। आखिरी बार तुम हमें आउटिंग पर कहां लेकर गए थे, कुछ याद है तुम्हें? नहीं ना गुड़िया का बर्थडे लास्ट मंथ मैंने तुम्हें याद कराया था। गुड़िया कौन से स्कूल जाती है तुम्हें कुछ नहीं पता। कैसे कपड़े में अच्छी लगती हो, बाद में कैसे तैयार होकर जाती हूँ, तुम्हें ये सब कुछ नोटिस किए हुए अरसा हो गया यावर। और तुम अपने हक की बातें कर रहे हो? गुड़िया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। खबरदार यावर, जो गुड़िया का नाम अपनी जबान से भी लिया, तुम जैसे लालची और घटिया इंसान के साथ मेरी बेटी हरगिज नहीं रहेगी। मैं इसका बाप हूँ। कौन सा बाप? जिसके पास बेटी के लिए वक्त ही नहीं है। जो मेरे बाप से पैसे लेके दूसरी औरत पर उठा रहा है। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ ना मैं रहूंगी और ना ही मेरी बेटी। ओके ओके जाओ, मुझे भी तुम जैसी औरत के साथ रहने का कोई शौक नहीं जो मुझे बेटा ना दे सके। फायजा, दादी के साथ रहोगी ना, दादी की बेटी हो ना, क्या जरूरत है यावर तुम्हें ये सब कुछ करने की? अच्छा भला घर उजाड़ के रख दिया तुमने। घर मैंने ये उजाड़ रही है? मैंने इसको जाने के लिए नहीं कहा।